महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। मोदी जी ने हमेशा कृषि के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य सरकार भी मोदी जी के विजन के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्यमियों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। उनकी गारंटी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है। इन गारंटियों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सरकार बनते ही हमने इन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालते ही दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख हितग्राहियों के आवास निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3,799 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान कर दिया गया है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। खरीदे जा रहे धान का भुगतान वर्तमान में समर्थन मूल्य के हिसाब से किया जा रहा है। शीघ्र ही किसानों को अंतर की राशि का भुगतान भी कर देंगे। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमने लगभग 125 लाख टन धान की खरीदी कर ली है एवं अभी 11 दिन और बाकी हैं। इस साल अब तक जो धान खरीदी हुई है वह एक नया रिकॉर्ड है। हम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस साल हम लगभग 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस भी जारी कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री सदैव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में अंतरित कर दी गई है। मोदी जी ने खेतिहर मजदूरों को भी प्रतिवर्ष 10,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की गारंटी दी है। महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना शीघ्र प्रारंभ की जा रही है जिसमें उन्हें 12,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि स्थापना दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप, नवाचार एवं उद्यमिता तथा पोषण एवं लोक स्वास्थ्य पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में भाग लेने के लिए कई महाविद्यालयों के छात्र यहां आए हुए हैं। आप सबने कृषि एवं अन्य विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप अपनी शिक्षा एवं कौशल का उपयोग नए उद्यमों की स्थापना करने के लिए कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाकर आप स्वयं आय अर्जित कर सकते हैं एवं अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में देश एवं प्रदेश के विकास के लिए करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार युवाओं को स्टार्टअप को नए व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने में पूरी सहयोग देगी। इसी प्रकार हम बच्चों, माताओं एवं आमजनों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने वाले हैं। आज की इन संगोष्ठियों में जो भी अनुशंसाएं प्राप्त होंगी राज्य सरकार उन पर विचार करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेगी। मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का आह्वान करना चाहूंगा
कि प्रदेश के कृषकों के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाएं एवं अपनी अनुशंसाएं हमें दें ताकि प्रदेश के किसानों का कल्याण हो सके। एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं, कृषकों एवं वैज्ञानिकों और अन्नदाता कृषक भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।